वेलकम बैक टू माई चैनल इनसिफ यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए एलएलबी का जो इंग्लिश थर्ड है उसका फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है स्क्वेंटिंग कंस्ट्रक्शंस और स्क्वेंटिंग मॉडिफायर। तो स्क्वेंटिंग कंस्ट्रक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मॉडिफायर क्या होता है। देखिए स्क्वेंटिंग यहाँ पे जो मीनिंग है वो है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स कि अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, जो क्लियर ना हो, ठीक है। तो दूसरा वर्ड है मॉडिफायर। तो मॉडिफायर क्या होता है, इंग्लिश में मॉडिफायर क्या होता है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। अ मॉडिफायर इज़ अ वर्ड फ्रेज और क्लॉज। अ मॉडिफायर इज़ अ वर्ड फ्रेज और क्लॉज दैट मॉडिफाइज, दैट इज़ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर वर्ड इन द सेम सेंटेंस। यानी कि मॉडिफायर वो होता है कि जो एक ही सेंटेंस में किसी वर्ड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, किसी वर्ड को स्पष्ट कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं मॉडिफायर। और वो मॉडिफायर आपका एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, और एक क्लॉज भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल की हम समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है गुड बॉय, ब्लैक ब्रोकन शाइनिंग टूल बॉक्स, द गर्ल इन ब्लू ड्रेस, अ बोट पिक इनफ। ठीक है, गुड बॉय। तो बॉय यहाँ पे क्या है, बॉय एक लड़का है। बॉय कैसा लड़का, गुड बॉय। तो गुड जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बॉय के बारे में। तो गुड आपका क्या है, एक मॉडिफायर है। उसी तरीके से ब्लैक ब्रोकन शाइनिंग टूल बॉक्स, ठीक है, ब्लैक ब्रोकन शाइनिंग टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो कैसा है, ब्लैक ब्रोकन शाइनिंग है, ठीक है। तो ये टूल बॉक्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यानी कि टूल बॉक्स को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा मॉडिफायर है। उसी तरीके से द गर्ल इन ब्लू ड्रेस, द गर्ल इन ब्लू ड्रेस, गर्ल कौन सी, जो ब्लू ड्रेस में है, ठीक है। तो ब्लू ड्रेस जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, गर्ल को। उसी तरीके से अबोट बिग इनफ, अबोट एक नाव, अबोट बिग इनफ बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अब बोट, बोट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। तो ये जो किसी भी वर्ड के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वर्ड फ्रेज और क्लॉज, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, मॉडिफायर है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, मॉडिफायर आपका एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, और एक क्लॉज भी हो सकता है। तो यहाँ पर गुड बॉय क्या है, गुड आपका एक क्या है, वर्ड है। फ्रेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। तो उससे टूल बॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है, ब्लैक ब्रोकन शाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे वर्ड का, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का यूज़ हो रहा है टूल बॉक्स को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो फ्रेज है वो भी आपका मॉडिफायर है। उसी तरीके से जो हमारा मॉडिफायर होता है वो टू टाइप का होता है, एक आपका होता है प्री मॉडिफायर और दूसरा होता है पोस्ट मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, यानी कि वो वर्ड के पहले आता है, और पोस्ट जो वर्ड के बाद में आता है। जैसे बॉय है, तो बॉय को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या है, गुड। तो बॉय के पहले आपका आया है गुड, तो ये आपका कहलाएगा प्री मॉडिफायर। उसी तरीके से पोस्ट मॉडिफायर क्या होता है, जो वर्ड के बाद आता है या नाउन के बाद आता है। जैसे आपका है दिया हुआ द गर्ल इन ब्लू ड्रेस, गर्ल के बारे में बताया जा रहा है कि वो ब्लू ड्रेस में है, तो ये आपका क्या है, पोस्ट मॉडिफायर है, क्योंकि ये जो है जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद ये मॉडिफायर आए हुए हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और एक सेंटेंस लेकर देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू द कैफ़े फॉर अ वेजिटेरियन बर्गर, ठीक है। मैं कैफ़े जा रहा हूँ किस लिए, बर्गर के लिए, ठीक है, बर्गर के लिए। बट यहाँ पे बर्गर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वेजिटेरियन बर्गर है ना, कुछ वेजिटेरियन बर्गर की बात हो रही है। तो यानी कि बर्गर जो है ये आपका नाउन है, इसको डिफाइन कर रहा है वेजिटेरियन, तो ये आपका क्या है, मॉडिफायर है, ठीक है। तो द वर्ड बर्गर इज़ मॉडिफाइड बाय द वर्ड वेजिटेरियन। आई होप आपको मॉडिफायर्स क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मॉडिफायर समझ में आ जाएगा तभी आपको यह स्क्वेंटिंग कंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वेंटिंग कंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्क्वेंटिंग मॉडिफायर क्या होता है। स्क्वेंटिंग मॉडिफायर इज अ टाइप ऑफ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, यानी कि जो आपका गलत तरीके से यूज़ हुआ हो मॉडिफायर, तो वो आपको कहलाएगा स्क्वेंटिंग मॉडिफायर। स्क्वेंटिंग मॉडिफायर मेक्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस एम्बिगुअस बिकॉज इट इज़ अनक्लियर वेदर इट मॉडिफाइज टेक्स्ट बिफोर इट और आफ्टर इट। मॉडिफायर क्या होता है, आपका स्क्वेंटिंग मॉडिफायर क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड होता है जो किसी पर्टिकुलर फ्रेज या क्लॉज या को मॉडिफाई करता है, बट ये जो मॉडिफायर होता है ये अनक्लियर होता है कि इसको ये मॉडिफायर कर रहा है, इस वर्ड या इस नाउन को, या इसको मॉडिफायर कर रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन होती है, जो पैरेलल कन्फ्यूजन होती है, इसी को हम बोलते हैं स्क्वेंटिंग मॉडिफायर। एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा, जैसे कि ये दिया हुआ एग्जाम्पल गेटिंग मैरिड क्विकली चेंजेज योर वेज,
ठीक है, गेटिंग मैरिड क्विकली चेंजेज योर वेज। यहाँ पर जो क्विकली है ये आपको मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, गेटिंग मैरिड को भी ये मॉडिफाई कर रहा है और प्लस चेंजेस को भी मॉडिफाई कर रहा है। बट तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि ये जो क्विकली वर्ड है प्रॉपर किसको कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल सिचुएशन है। तो ये जो इक्वल सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि ये राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट वाले पोर्शन को कर रहा है या राइट वाले पोर्शन को मॉडिफाई कर रहा है, यही सिचुएशन आपकी कहलाएगी क्वेंटिंग मॉडिफायर। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि ये किस टाइप का मॉडिफायर है, तो ये आपका क्या है, स्क्वेंटिंग मॉडिफायर है, जहाँ पर ये एरर क्रिएट कर देता है आपके स्पीकिंग रिटन कम्युनिकेशन में। ओरल कम्युनिकेशन में तो आप जो आपका वॉइस का इंटोनेशन होता है, जो पिच होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसके थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बस रिटन में अगर इस टाइप से कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स आते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यही आपके सेंटेंस के एरर है। एग्जाम्पल है, द पाई यू बेक्ड रिसेंटली वेंट मिसिंग। दूसरा सेंटेंस है, द पाई यू रिसेंटली बेक्ड वेंट मिसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिसेंटली वर्ड है ये आपका है मॉडिफायर। ठीक है, ये आपका है मॉडिफायर। तो ये जो रिसेंटली वर्ड है ये इसको भी मॉडिफाई कर रहा है और इसको भी मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि ये इक्वल सिचुएशन पर है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ इतना देखते हैं, द पाई यू बेक्ड रिसेंटली, ठीक है, यानी कि जो द पाई है, जो गोलाकार का केक हो सकता है, पाई मीन्स होता है गोलाकार, तो जो केक है, केक भी बोल सकते हैं, तो उसको जो आपने पकाया है वो अभी अभी पकाया है, इसकी मीनिंग ये निकल रही है। ठीक है, और दूसरा इसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, रिसेंटली वेंट मिसिंग, वो अभी अभी गायब हो गई है। ठीक है, तो ये यानी कि जो रिसेंटली है ये दोनों के साथ फिट बैठ रहा है, ये आपका कॉमन निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होती है कि जो आपका मॉडिफायर है वो किसके साथ यूज़ हो रहा है, यहाँ पर बेक्ड के साथ यूज़ हो रहा है या मिसिंग इवेंट मिसिंग के साथ यूज़ हो रहा है। जैसे कि हिंदी है, आपने हाल में ही में जो पाई बेक की है वो गायब हो गई है। ठीक है, तो हाल ही में गायब हो गई है या हाल ही में पकाया है, तो दो मीनिंग निकल रही है ना, तो दो मीनिंग निकल रही है। तो इसको हमें ठीक करने के लिए अगर हमें ये चाहिए, अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि आपने हाल ही में जो पाई बेक की है, ठीक है, तो इसके लिए हमें जो ये मॉडिफायर है इसको हटा के बेक के पहले अगर हम लगा दें बेक्ड रिसेंटली, तो हमारी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। तो हमारा जो मेन टॉपिक है स्क्वेंटिंग मॉडिफायर, तो स्क्वेंटिंग मॉडिफायर वही है कि जो जब मॉडिफायर एक ऐसी सिचुएशन में होता है जो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इक्वल सिचुएशन में होता है और दोनों के साथ फिट बैठ सकता है बैठता है, तो हमें ये क्लियर होती है एज अ रीडर, हमें ये क्लियर हो सकती है कि इसमें एक्चुअल में क्या मीनिंग निकाली जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको एरर मानते हैं। स्क्वेंटिंग मॉडिफायर इज़ अ टाइप ऑफ मिसप्लेस मॉडिफायर। ये क्या है कि एक तरीके का कि हमने जो मॉडिफायर का यूज़ किया है, मॉडिफायर क्या, एक वर्ड, एक फ्रेज, एक जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको हम गलत तरीके से जब मिसप्लेस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वेंटिंग मॉडिफायर। स्क्वेंटिंग मॉडिफायर कैन फीजिबली लुक लेफ्ट और राइट। स्क्वेंटिंग मॉडिफायर क्या होता है कि जो दोनों तरफ दिखते हैं आपको, लेफ्ट में भी और राइट में भी, जैसे कि इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है ना, ये आपका मॉडिफायर है और आपका ये राइट और लेफ्ट दोनों में दिख रहा है, दोनों में आपका यूज़ हो सकता है, तो ये होता है आपका स्क्वेंटिंग मॉडिफायर। अ नॉर्मल मिसप्लेस्ड मॉडिफायर दैट इज़ वन दैट इज़ नॉट स्क्वेंटिंग इज ऑल्सो एम्बिगुअस बट डज नॉट सिट बिटवीन द टू थिंग्स इट कुड फीजिबली बी मॉडिफाइंग। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका मिसप्लेस्ड मॉडिफायर यानी कि गलत जगह पे मॉडिफायर का यूज़ कर लेना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वेंटिंग मॉडिफायर हो, क्योंकि स्क्वेंटिंग मॉडिफायर के लिए क्या कंडीशन है कि जो आपका राइट का एरिया है और जो लेफ्ट का एरिया है दोनों तरफ इक्वल फीजिबल कंडीशन होगी, तभी आपका वो कहलाएगा स्क्वेंटिंग मॉडिफायर। बाकायर का अगर मिसप्लेस भी यूज़ करते हैं, मिसप्लेस करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वेंटिंग मॉडिफायर है। तो स्क्वेंटिंग मॉडिफायर के लिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि ये मॉडिफायर है आपका, ये राइट है, ये लेफ्ट है और दोनों सिचुएशन में ये फिट बैठ रहा है, तब आपका ये कहलाएगा कि ये हमारा स्क्वेंटिंग मॉडिफायर है। वाई शुड आई केयर अबाउट स्क्वेंटिंग मॉडिफायर, हमें स्क्वेंटिंग मॉडिफायर क्यों वो देखना चाहिए, क्योंकि स्क्वेंटिंग मॉडिफायर्स मेक्स अ रिटन सेंटेंस एम्बिगुअस। जैसे कि बता चुके हैं कि स्क्वेंटिंग मॉडिफायर क्या करते हैं कि जो हमारे रिटन सेंटेंसेस होते हैं, जो लिखे हुए सेंटेंस होते हैं, उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्टता लाते हैं,
क्लियर नहीं होता है हमें, जैसे कि पहले एग्जांपल ने बताया कि रिसेंटली आपका पहले वाले पार्ट्स में यूज़ हो रहा है, बेक के लिए यूज़ हो रहा है या मिसिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो रिटन ओरल कम्युनिकेशन में तो आपका क्लियर हो जाएगा, बट रिटन कम्युनिकेशन में क्लियर नहीं होता। सेंटेंसेस विथ स्क्वेंटिंग मॉडिफायर्स आर नॉर्मली नॉट एम्बिगुअस व्हेन स्पोकन। ठीक है, बोलने में ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बोलने में कोई अस्पष्टता नहीं होती है, एकदम कन्फ्यूजन नहीं होती है, बट लिखने में आपके ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। हाउ एवर यू मस्ट अवॉइड स्क्वेंटिंग मॉडिफायर्स व्हेन राइटिंग। इसलिए हमें जो हमारे स्क्वेंटिंग मॉडिफायर है जब हम लिख रहे हैं तो उस टाइम हमें इसको एलिमिनेट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। यू कैन एलिमिनेट द एम्बिग्विटी बाय चेंजिंग द पोजिशन और बाय रीस्ट्रक्चरिंग। तो इसे हमें किस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो हमारा क्रिएट कर रहा है कन्फ्यूजन, जो मॉडिफायर हमारा स्क्वेंटिंग मॉडिफायर हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसको हम मिसप्लेस कर दें, यानी कि उसको अलग तरीके से यूज़ कर लें, या उसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वही हम चेंज कर दें। जैसे साइकिलिंग अप हेल्प्स क्विकली स्ट्रेंथ्स योर क्वाड्रिसेप। ठीक है, क्वाड्रिसेप मीन्स होता है जो लार्ज मसल होती है हमारे, ये जो जांघ होती है, जंग ठीक की यहाँ की जो फ्रंट वाली जो मसल होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जब हम साइकिलिंग चलाते हैं, ऊंचाई पर हम साइकिलिंग चलाते हैं, तो जो हमारी लार्ज मसल होती है वो हमारी मजबूत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉडिफायर है क्विकली। ठीक है, तो क्विकली आप देखिएगा, क्विकली जो आपका मॉडिफायर है ये आपका स्क्वेंटिंग मॉडिफायर है। क्यों? क्योंकि आप इसके साथ भी इसका यूज़ कर सकते हैं, साइकिलिंग अप हिल्स क्विकली। ठीक है, जल्दी जल्दी ऊँचाई पर साइकिलिंग चलाना। दूसरा है क्विकली स्ट्रेंथ योर क्वाड्रिसेप। ठीक है, तो और जल्दी से ये मजबूत करती है आपकी जो लार्ज मसल है, उसको जल्दी जल्दी मजबूत करती है। तो दोनों जो आपके फ्रेज हैं, दोनों जो क्लॉज है, दोनों में आपका फिट बैठ रहा है, ये है ना, दोनों में फिट बैठ रहा है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। बट तो यहाँ पे क्या है, एम्बिगुअस क्रिएट हो रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि ये एक्चुअल में किसके साथ यूज़ किया गया है, जो लिखने वाला जो राइटर है उसने किसके साथ इसको ऐड किया है, जो क्विकली वर्ड है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मिसप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि लास्ट सेंटेंस में दिया गया है, साइकिलिंग अप हेल्थ स्ट्रेंथ, साइकिलिंग अप हेल्थ स्ट्रेंथ योर क्वाड्रिसेप्स क्विकली। इस तरीके से जो आपका ये क्विकली मॉडिफायर है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो क्विकली है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्वाड्रिसेप को मॉडिफाई कर रहा है। और इस वाले सेंटेंस में हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है था कि ये जो आपका क्विकली है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है या इसको मॉडिफाई कर रहा है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है बट देख लीजिएगा एक दो बार वीडियो क्लियर। थैंक यू सो मच।